हेलो फ्रेंड्स, स्टडी भारत यूट्यूब चैनल में मैं अमन वोहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे यूजीसी नेट 2019 के लिए जो भी एग्ज़ाम आने वाला है उसका पेपर वन का लेक्चर नंबर 35। ये टीचिंग एप्टीट्यूड का ही लेक्चर है जिसका नाम है टीचिंग एंड एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट पूछते हैं कि आपने टीचिंग एप्टीट्यूड 2 महीने से ख़त्म ही नहीं किया। तो फ्रेंड देखिए कि आपको मैं टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो जल्दी ख़त्म होने वाला है, बस 4 से 5 वीडियो आएंगी, बहुत जल्दी ख़त्म होगा। आपसे मेरा प्रॉमिस है कि अप्रैल तक हम सिलेबस ख़त्म कर देंगे। तो आप सब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम आपका बिल्कुल पूरा सिलेबस ख़त्म करवाएंगे अप्रैल तक, और साथ में हम मई महीने से इसके प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में हम आपको इसकी पूरी तैयारी करवा देंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसके ऊपर आपको डेली का वीडियो लिंक मिलेगा, तो आपको वीडियो ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आप डेली बस टेलीग्राम पे ऊपर जो वीडियो लिंक है उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको पेपर वन का स्टडी मटेरियल चाहिए, इसकी कॉस्ट है 1200 रुपये, तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेगा। तो ये आपको कंप्लीट और अपडेटेड सिलेबस मिलेगा, इसके बाद आपको कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यूजीसी नेट पेपर वन का स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी अवेलेबल है, जिसकी कॉस्ट है 495 रुपीज़। ये फुल कोर्स है। अगर आपको विदाउट मैथ और रीजनिंग चाहिए, इसकी कॉस्ट है 350 रुपीज़। ये भी हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं, इसकी कॉस्ट है 200 रुपये। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको डेली लिंक तो देंगे, साथ में पीडीएफ देंगे। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करोगे हमारा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको गैला वीडियो लिंक मिलेगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना चाहते हैं तो इसकी ज्वाइनिंग फ़ीस है 200। तो इसमें आपको वीडियो लिंक भी मिलेगा, साथ में उसका पीडीएफ भी मिलेगा। आपको अपनी सारी जानकारी, अपना पूरा एड्रेस हमें इस नंबर के ऊपर सेंड करना है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आपको यहाँ पे दे दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, स्टडी भारत में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे टीचिंग एड एग्जांपल्स। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में किया था, तो हम करेंगे टीचिंग एड एग्जांपल, यानी कि जब टीचिंग करते समय जब पढ़ाया जाता है तो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, यानी कि टीचिंग में कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं टीचिंग एड एग्जांपल। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत देर से आई है, ये तो जल्दी अप्रैल तक आपका पूरा कोर्स ख़त्म हो जाएगा। अब डेली वीडियो आएंगी, आपको बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं टीचिंग एड एग्जांपल्स। देखिए फ्रेंड्स, देखिए टीचिंग एड्स एग्जांपल में है क्या, चॉकबोर्ड, जिसे हम ब्लैक बोर्ड भी कहते हैं, ठीक है, चॉकबोर्ड हो गया, वाइट बोर्ड, फ्लिप चार्ट्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर, ट्रांसपेरेंसीज या पावर पॉइंट, डाटा प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, ऑडियो टेप, सीडीज या पॉडकास्ट। ठीक है फ्रेंड्स, ये 7 जो इसके टीचिंग एड एग्जांपल है। देखिए फ्रेंड, एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, तो मैंने आपको वही इंपॉर्टेंट बताए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो हम इसको ब्रीफली डिस्कस करते हैं। पहली बारी आती है चॉकबोर्ड या वाइट बोर्ड की। तो फ्रेंड देखिए, कलर्ड चॉक एंड मार्कर कैन इनहेंस द प्रेजेंटेशन, यानी कि जो चॉकबोर्ड है या वाइट बोर्ड है, अगर हम चॉकबोर्ड में चॉक से लिखने जा रहे हैं तो हमें कलर चॉक का इस्तेमाल करना चाहिए, और जो मार्कर है वो उसका इस्तेमाल होता है कि ताकि प्रेजेंटेशन दी जा सके। यानी कि जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं ब्लैक बोर्ड या चॉकबोर्ड या वाइट बोर्ड के ऊपर, तो हमें कलर चॉक या मार्कर का इस्तेमाल करना होता है। यूजिंग स्टूडेंट्स एज रिकॉर्डर्स कैन इंक्रीज इन्वॉल्वमेंट एंड फ्री इंस्ट्रक्टर हैंड्स। जिसमें देखिए, इसमें क्या है, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें वो ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। अगर टीचर कोई व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड पर लिखता है तो स्टूडेंट्स में ज़्यादा क्या है, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट लेते हैं, उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब इसके फ़ायदे क्या, एडवांटेज, देखिए नो एडवांस प्रेपरेशन रिक्वायर्ड। इसके लिए आपको, अगर आप व्हाइट बोर्ड या चॉक बोर्ड के ऊपर लिखने जा रहे हो, आपके लिए आपको इसके लिए कोई एडवांस में प्रेपरेशन नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सेप्ट व्हेन डिस्प्लेइंग ए कॉम्प्लेक्स टेबल चार्ट डायग्राम। ना ही आपको बोर्ड के ऊपर कोई जो मुश्किल सा जो टेबल होता है, चार्ट होता है, डायग्राम बनाने की जरूरत पड़ती है। टेक्नोलॉजी इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी और अदर पॉसिबल ग्लिच्स। देखिए, होता क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है वो ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी या अदर टेक्निकल चीज़ों पर वो डिपेंड करती है, लेकिन अगर हम चॉकबोर्ड या वाइट बोर्ड पर लिखते हैं तो हमें किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, यानी कि जो
हमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं है इसमें, तो हमें सीधे ही प्रेजेंट, आप देखिए कि अगर आप प्रोजेक्टर के ऊपर कोई आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था ना हो या बिजली चली जाए, तो उससे आप ब्लैक बोर्ड के ऊपर जो है या व्हाइट बोर्ड के ऊपर प्रेजेंटेशन दे सकते हो, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कैन बी यूज बाई स्टूडेंट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसे स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो अभी हमने एडवांटेज देखे इसके, अभी डिसएडवांटेज यानी कि हानि क्या है, देखिए टाइम कंज्यूमिंग इफ़ यू हैव ए लॉट टू राइट, अगर आपको ज़्यादा लिख रहा है तो आपका बहुत समय इसमें लगने वाला है, यानी कि जो चॉक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड है इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। हैंड राइटिंग में भी डिफिकल्ट टू रीड, देखिए होता क्या है कि इसमें जो हम लिखते हैं वो जा अगर हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे या हम व्हाइट बोर्ड पे लिखे तो उसमें जो हैंड राइटिंग है उसे रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो बुक्स की जो लैंग्वेज है, या अगर आप प्रेजेंटेशन देते हो कहीं और पे तो वहाँ पे उनकी जो बुक की लैंग्वेज है या कोई मशीन लैंग्वेज है वो थोड़ी सी पढ़ने वो पढ़ने में आसानी होती है। तो अगर हम खुद से मैनुअली तरीके से लिखें ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के ऊपर तो उसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए साइज़ ग्लेयर, कुछ के साइज़ शब्द के बड़े होंगे कुछ के छोटे होंगे, इसलिए टर्न योर बैक ऑन ऑन ऑडियंस, ठीक है, यानी कि जब आप लिखोगे तो आपकी पीठ यानी कि जो आपकी बैक है वो आपके स्टूडेंट या ऑडियंस की तरफ होगी, ठीक है, यानी कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिखते जाओगे आपकी वहाँ पे स्टूडेंट के सामने पर पीठ या बैक होगी। क्लीनिंग द बोर्ड, आपको बार बार बोर्ड को क्लीन करना पड़ेगा डस्टर से या मार्कर से, ठीक है फ्रेंड्स। कांट गो बैक समथिंग यूज यू हैव इरेज, तो आपने जो पहले देखिए अगर आपको कुछ आगे लिखना है तो आपको पीछे पिछला जो है वो उसको इरेज करना पड़ेगा, आपको लिखा हुआ वहाँ पे नहीं दिखाई देगा, यानी कि आप बिना कुछ इरेज किए वापस पीछे नहीं जा सकते, यानी कि अगर आपका लिखते लिखते आपका ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड भर चुका है आपको डिलीट वो रब करना पड़ेगा, फिर साथ में नया लिखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट है फ्लिप चार्ट, देखिए इफ़ इलेक्ट्रिसिटी इज़ अनअवेलेबल, फ्लिप चार्ट आपको पता ही है, ठीक है फ्रेंड्स, एक बोर्ड है वहाँ पे हम इसको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, तो आप फ्लिप चार्ट के ऊपर जो है ये कर सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिसिटी इसमें ज़रूरत नहीं है, फ्लिप चार्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ज़रूरत नहीं है, बस आपको मैनुअली तरीके से खुद से प्रेजेंटेशन देनी होती है यहाँ पे। टू इनेबल स्टूडेंट टू इलस्ट्रेट ग्रुप रिपोर्ट, इसमें क्या है जो स्टूडेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जो ग्रुप रिपोर्ट है स्टूडेंट्स की वो देखी जाती है, और टू प्रोवाइड ए रिटन रिकॉर्ड ऑफ पॉइंट्स मेड बाय स्टूडेंट, देखिए इसमें क्या है कि जो रिटन रिकॉर्ड पॉइंट है स्टूडेंट के, यानी कि जो स्टूडेंट ने जो पॉइंट प्रोवाइड किए हैं, जैसे मान के चलिए कि टीचर कोई अपनी प्रेजेंटेशन वहाँ पे दे रहा है पढ़ा रहा है, तो जो स्टूडेंट पॉइंट बताएंगे या स्टूडेंट वो जो जो पॉइंट है वो प्रोवाइड कराएंगे वो वहाँ पे लिखे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो टिप्स फॉर यूजिंग फ्लिप चार्ट, अब देखिए फ्लिप चार्ट को यूज़ करने का तरीका, देखिए चेक द रूम एंड इक्विपमेंट बिफोर हैंड, यानी कि पहले आपको रूम और पहले रूम को चेक करना है और साथ में इक्विपमेंट यानी कि जो फ्लिपकार्ट के जो इक्विपमेंट है जो इसमें काम में आते हैं पहले आपको वो चेक करने पड़ेंगे। गेट योर ओन पैड ऑफ न्यूज़ प्रिंट, ठीक है, और साथ में राइट आउट इम्पोर्टेंट पेजेस इन एडवांस, आपको कुछ पेजेस एडवांस में लिख के रखने पड़ेंगे। डोंट पुट टू मच ऑन ए पेज, एक पेज पे ज़्यादा कुछ नहीं आपको लिखना। कैरी ए कलेक्शन ऑफ फेल्ट टिप पेंस एंड चेक दैट दे हैव नॉट ड्राई आउट, आपको जो पेन इस्तेमाल करना है वो सही से चलने चाहिए तो वो सूखने नहीं चाहिए। तो एडवांटेज क्या है, इनएक्सपेंसिव कैन बी मेड फ्रॉम बचर पेपर, देखिए जो ये इनएक्सपेंसिव है यानी कि आप ये देखिए जो बाकी जो पेपर होते हैं उससे थोड़ा सा सस्ता पड़ता है। रीजनेबली पोर्टेबल, आप इसे पोर्टेबल है, आप कहीं भी इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं पे भी कैरी कर सकते हो, आसान है। कैन बी सेव, ठीक है, ये सेव कर सकते हैं। डिपेंडेबल, ये डिपेंडेबल होता है क्योंकि आपको इसके ऊपर पेन से लिखना होता है या आपको, ठीक है। इनकरेज स्पॉन्टेनिटी, रूम लाइट्स फेल्ट ऑन,
सॉरी रूम लाइट्स लेफ्ट ऑन, लेफ्ट ऑन, जो रूम की लाइट्स भी होनी चाहिए इसमें, तभी आपको प्रेजेंटेशन अच्छे से दिखेगी फ्लिपचार्ट के ऊपर। डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेड राइटिंग स्पेस, यहाँ पे आपको जो राइटिंग स्पेस है वो लिमिटेड मिलेगी, आप इसमें ज़्यादा कुछ भर नहीं सकते। चेंजेस आर मैसी, इसमें चेंजेस बहुत कम होते हैं। इंस्ट्रक्टर बैक टू ऑडियंस, यानी कि जो इंस्ट्रक्टर है उसकी जो बैक है वो ऑडियंस को दिखाई देती है इसमें। लिमिटेशन ऑन साइज ऑफ रूम एंड ऑडियंस, देखिए इसमें जो लिमिटेशन है किसकी, रूम का साइज़ भी लिमिट होता है, ऑडियंस भी लिमिट होती है। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है, ये नहीं है कि 200 300 स्टूडेंट या 100 स्टूडेंट इसको पढ़ लें, तो थोड़े से स्टूडेंट होते हैं जिसको ये फ्लिपचार्ट के जरिए पढ़ाया जा सकता है, 15 से 20 स्टूडेंट। ठीक है फ्रेंड्स, ओवरहेड प्रोजेक्टर नेक्स्ट है, ओवरहेड प्रोजेक्टर और ट्रांसपेरेंसी, देखिए प्रॉपर यूज़ क्या है, प्रिपेयर कॉम्प्लिकेटेड ट्रांसपेरेंसी अहेड ऑफ टाइम बाय हैंड कंप्यूटर प्रिंटिंग प्रिंटर और फोटोकॉपियर। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, देखिए इसमें जो टाइम है बाय हैंड या कंप्यूटर प्रिंटिंग वगैरह इसमें वो प्रिपेयर करनी होती है, यानी कि जो ओवरहेड प्रोजेक्टर क्या है, इसमें जो प्रिंटर कंप्यूटर या प्रिंटिंग वगैरह ये काफ़ी इसमें इस्तेमाल की जाती है, काफ़ी समय लगता है इसमें। अरेंज इन ऑर्डर यूज़ समथिंग टू कीप इन ऑर्डर नंबर देम, देखिए इसमें पहले अरेंज करना होता है इनको, नंबर सीरीज नंबर वाइज लगाना होता है इनको ऑर्डर वाइज। कवर अनवांटेड पोर्शन अंटिल रेडी फॉर ऑडियंस टू सी, जो अनवांटेड पोर्शन है इसको कवर करना होता है इसमें। लीव ऑन लॉन्ग इनफ फॉर ऑडियंस टू रीड टेक नोट्स, देखिए इसमें क्या है, जो ऑडियंस है इसमें उसको रीड करना पड़ता है, टेक इसमें इनको ऑडियंस को जो या स्टूडेंट उनको नोट्स बनाने पड़ते हैं इसको देख के। तो हाईलाइट पॉइंट आउट की कंसेप्ट, इसमें क्या है, जो पॉइंट है जो हाईलाइट जो पॉइंट जो है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट उसको हाईलाइट किया जाता है। इन्वॉल्व स्टूडेंट्स में जो स्टूडेंट है वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, फोकस प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर के ऊपर फोकस होता है इसमें। मेक श्योर फॉन्ट साइज इज लार्ज इनफ टू बी रीडेबल, इसमें जो साइज़ जो है फॉन्ट का, यानी कि जो पढ़ने वाला जो मैटर है वो दिखाई देना चाहिए, वो इतना उसका साइज होना चाहिए कि उसको आसानी से पढ़ा जा सके। यूज़ नॉन परमानेंट पेंस फॉर स्पॉन्टेनियस एडिशन, इसमें जो नॉन परमानेंट पेन है यानी कि जो वो ऐसे पेन का इस्तेमाल करें जो आसानी से जिसे रब किया जा सके, जिसे मिटाया जा सके। हाईलाइट परमानेंट पार्ट्स विद डिफरेंट कलर, अब देखिए कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना है यहाँ पे, तो उसके लिए आपको हाईलाइट जो है परमानेंट पार्ट, यानी कि आपको डिफरेंट कलर के इसमें जो परमानेंट पार्ट है वो यूज़ करने होते हैं। यानी कि आप देखिए कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, अगर आपको कोई चीज़ में डिफरेंस दिखाना है तो आपको उसके जो पॉइंट है उसको हाईलाइट करने पड़ेंगे, पर डिफरेंट कलर में। ठीक है फ्रेंड्स, डिफरेंट कलर में आप किसी को, जैसे आप ये देखिए कि आपने बताना है कि इस साल में इतनी वृद्धि यहाँ पे हुई, इतनी वृद्धि या इतनी परसेंट यहाँ पे बढ़ी, तो आपको वो अलग अलग कलर में दिखाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा मेल और फीमेल में फ़र्क बता रहे हैं, तो आपको वो अलग अलग कलर में बताना पड़ेगा इसमें। क्रिएट ऑन कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के ऊपर क्रिएट होती है, कंप्यूटर पर बनाई जाती है। यूज़ क्लिप आर्ट और अदर ग्राफिक, इसमें क्लिप आर्ट और अदर ग्राफिक को यूज़ किया जाता है। रन थ्रू कॉपी मशीन टू पुट ऑन ट्रांसपेरेंसी, मेक श्योर यूजिंग राइट मशीन एंड ब्लैंक ट्रांसपेरेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो है ट्रांसपेरेंसी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये कॉपी मशीन के द्वारा चलती है। सेट मशीन एट राइट लेंथ अवे फ्रॉम स्क्रीन, जो मशीन है, ठीक है, जो मशीन है उसको सेट करना पड़ता है एक सही लेंथ के ऊपर, कि ताकि अच्छे से, आप देखिए कि जैसे प्रोजेक्टर से किसी को कुछ प्रेजेंटेशन देनी होती है, तो ऐसा फोकस होना चाहिए कि जो उसकी पूरी पिक्चर है, जो पूरी फोटो है, जो पिक्चर है वो दिखाई देनी चाहिए, तो इसको उतनी लेंथ पे इसको दिखाना चाहिए, मतलब सेट करना चाहिए, यानी कि जहाँ पे स्क्रीन है, स्क्रीन जहाँ पे लगाई हुई है उसके हिसाब से प्रोजेक्टर को ऐसे लगाना चाहिए कि ताकि उसकी जो जो हम प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं वो क्लियर दिखाई दे। डू नॉट यूज़ ए फुल टाइप रिटन पेज, ओनली बुलेट्स और आउटलाइन टाइप, इसमें फुल राइट टाइप रिटन पेज नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसमें बुलेट्स और आउटलाइन टाइप होना चाहिए, यानी कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वही होने चाहिए, इसमें पैराग्राफ वाला नहीं होना चाहिए। ड्रॉ एज यू गो फॉर बेस्ट इफेक्ट, इसमें जो आप बेस्ट इफेक्ट देना चाहते हैं इसमें वो बना चाहिए। टर्न ऑफ इफ नॉट यूजिंग फैन,
लाइट एट्सेट्रा डिस्ट्रैक्टिंग, अगर आप इसमें अगर पंखे का लाइट का इस्तेमाल नहीं होता तो उसे बंद कर देना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रोजेक्टर के ऊपर अगर हम कोई चीज़ प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, लाइट्स वगैरह बंद करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आप देखिए कि जब हम कोई मूवी देखते हैं तो वहाँ पे अंधेरा होता है हॉल में, तो वहाँ पे प्रोजेक्टर से फिल्म दिखाई जाती है। तो ऐसा ही होता है कि अगर हमें प्रेजेंटेशन दिखानी चाहिए, पेश करनी चाहिए, तो लाइट्स ऑफ होनी चाहिए, जिससे क्या है स्टूडेंट जो है वो इंटरेक्ट करते हैं। तो इसके एडवांटेज क्या है, देखिए अटेंशन गेटिंग, स्टूडेंट की इसमें अटेंशन बहुत ज़्यादा होती है, रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव, ये इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, ईजी टू प्रिपेयर, इसे प्रिपेयर करना आसान है, इंस्ट्रक्टर कैन फेस ऑडियंस, जो इंस्ट्रक्टर है वो ऑडियंस को फेस करता है, यानी कि इसमें जो इंस्ट्रक्टर की बैक दिखाई नहीं देती उसका फेस दिखाई देता है ऑडियंस को। परमानेंट एंड नॉन परमानेंट, ये परमानेंट भी है नॉन परमानेंट भी है, रीजनेबली पोर्टेबल, आप इसे कहीं भी पोर्ट कर सकते हो, यानी कि आप कहीं भी इसको लगा सकते हो, जरूरी नहीं है कि एक जगह फिक्स कर दो, आप इसे जहाँ पर मर्जी लगा सकते हो। कैन सम टाइम लीव रूम लाइट्स ऑन, देखिए कई कई बार से रूम की लाइट में भी दिखाया जाता है, वैसे तो लाइट्स बंद होती है तो कई बार क्या है ऐसे रूम की लाइट में भी दिखाया जा सकता है। फेयरली रिलायबल मशीनरी, तो ये जो मशीनरी है वो फेयर, इसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है। कैन राइट ऑन वाइल्ड टेकिंग, अगर वाइल्ड टॉकिंग, अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो प्रोजेक्टर पे तो आपको बोलने के साथ साथ उसको लिखना भी, यानी कि पॉइंट को उसको मेंशन भी करना होता है, साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट को लिख भी देना चाहिए साथ में, कि ताकि ऑडियंस को अच्छे से समझ में आ सके। अलाउस यू टू प्रिपेयर ऑल योर स्लाइड्स इन एडवांस, आपको जो अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपको अपनी जो स्लाइड्स हैं वो आपको एडवांस में बनानी चाहिए, पर्टिकुलरली सुटेड फॉर कॉम्प्लेक्स डायग्राम चार्ट्स एंड इलस्ट्रेशन। इसमें क्या है, अगर आप डायग्राम चार्ट वगैरह कुछ दिखा रहे हो तो इसमें वो आसानी से दिखाई जा सकती है, अगर आपको कोई चीज़ समझानी है डायग्राम से चार्ट से तो आप इसमें अच्छे से दिखा सकते हैं प्रोजेक्टर में। कैन बिल्ड अप इंफॉर्मेशन पॉइंट बाय पॉइंट थ्रू द यूज़ ऑफ ओवरले, इसमें जो पॉइंट्स जो पॉइंट टू पॉइंट है जो इन्फॉर्मेशन इसमें आसानी से बताई जा सकती है। डोंट हैव टू यू टर्न बैक टू द ऑन द ऑडियंस, इसमें क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर है उसका फेस दिखाई देता है ऑडियंस को, इसमें बैक नहीं दिखानी चाहिए, जो अपनी पीठ या बैक नहीं ऑडियंस की तरफ करनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो की जाती है ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय, तो प्रोजेक्टर पर लिखेंगे प्रोजेक्टर पर हम प्रेजेंटेशन देंगे तो ऑडियंस को फेस दिखाना होता है। डिसएडवांटेज क्या है, रिक्वायर्स इक्विपमेंट, इसके लिए इक्विपमेंट ज़रूरी है, आपको स्क्रीन चाहिए, ठीक है, उसके लिए आपको प्रोजेक्टर चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मस्ट नो हाउ टू यूज़ इक्विपमेंट एंड ट्रबल शूट, आपको अच्छे तरीके से इसका यूज़ करते इसका यूज़ करना आना चाहिए। ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे ट्रबल शूट हो, कहीं पे कोई दिक्कत आए तो इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आप प्रोजेक्टर पर कोई प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो आपको वो अच्छे से पेश करने आनी चाहिए। लिमिटेशन ऑन रूम एंड ऑडियंस साइज़, इसमें क्या है कि ऑडियंस का साइज़ और रूम की लिमिटेशन वो होती है। कैन बी ब्लेंडिंग टू इंस्ट्रक्टर, ठीक है, ये इंस्ट्रक्टर क्या है ब्लाइंड ब्लेंडिंग, यानी कि इसमें क्या है कि जो इंस्ट्रक्टर है, ठीक है, वो ऑडियंस से आप ये देखिए कि जो कनेक्ट तो करेगा पर उसे साथ साथ बार बार जो प्रेजेंटेशन दे रहा है इसको बार बार देखना पड़ेगा, फिर समझाना पड़ेगा उसको बार बार। ठीक है, कैन बी नॉइसी, यू नॉइसी भी हो सकती है शोर वाली। कैन ड्रॉप ग्रुप ऑफ ट्रांसपेरेंसी आउट ऑफ ऑर्डर, ए ब्लोन बल्ब और पावर फेलियर कैन स्पॉइल आर योर हार्डवर्क, अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो तो यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी सही से काम ना कर रही हो, अगर जो इसके जो बल्ब है जो इसके ऊपर जो स्क्रीन पे दिखाता है अगर वो सही से काम ना करे तो आपका जितना भी हार्डवर्क है वो ख़राब हो सकता है। इमेज क्वालिटी कैन आल्सो बी प्रॉब्लम, इमेज क्वालिटी अगर आपकी जो मान के चलिए अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो प्रोजेक्टर के ऊपर, अगर उसकी दूरी थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई तो जो पिक्चर उसके पिक्सल फट जाते हैं, कई बार इमेज क्वालिटी जो है वो ख़राब हो सकती है। कैन बी डिसऑरिएंटिंग टू मैनिपुलेट ट्रांसपेरेंसी ऑन प्रोजेक्टर प्लेट,
जो प्रोजेक्टर प्लेट है वो से वो भी ख़राब कर सकते हैं। सो सिंपल सी बात है कि होता क्या है कि आप देखिए कि कोई भी चीज़ है उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होते ही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तो आजकल चलती है, आप कोई भी यूट्यूब वीडियो देख लो तो 90% केसेस में है कि वो पावर पॉइंट जो है उसके ऊपर प्रेजेंटेशन बनाई जाती है। प्रॉपर यूज़ क्या है, मेक सर्टेन दैट प्रोजेक्टर इज़ फोकस्ड। इसमें ये देखा जाता है कि जो जो मेन प्रोजेक्ट है जिसमें जो देखा जाता है कि जो हम किस चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, यानी कि जब हम कोई चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं तो हमें उसके ऊपर पूरा फोकस करना होता है जो हमारा प्रोजेक्ट है। लीव वर्ड स्लाइड्स ऑन लॉन्गर दैन एक्शन स्लाइड्स। इसमें जो वर्ड स्लाइड्स है वो लॉन्गर होनी चाहिए एक्शन स्लाइड से, यानी कि जो हमें लिखे हुए शब्द हैं वो थोड़े से उसकी स्लाइड से जो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए एक्शन स्लाइड से। यूज टू रीइंफोर्स एंड हाईलाइट। इसमें इस्तेमाल किया जाना चाहिए किसका, हाईलाइट का, यानी कि आप हर एक चीज़ को हाईलाइट करके इसमें दिखा सकते हैं। नो हाउ टू चेंज बल्ब ट्रबल शूट। इसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में क्या है कि आपको इसका जो ट्रबल शूट है या जो कुछ भी है आपको वो चेंज करना है, इसमें आना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि कोई भी दिक्कत आया इसमें आपको इसमें आना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये आखिरी का जो पॉइंट है नो हाउ टू चेंज बल्ब्स, ये इसका पॉइंट नहीं है, ये इसका पॉइंट ही है। तो आप इसको पॉइंट को हटा देना है, ऐसे ही इसके तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो मेक सर्टेन लीव वर्ड्स और यूज टू इन्फॉर्म, ठीक है। ये नो हाउ टू चेंज बल्ब्स वाली ये इसकी लाइन नहीं है, ये ऊपर वाले पॉइंट की लाइन है। तो कंस्ट्रक्शन क्या है, देखिए, यूज़ कलर्ड बैकग्राउंड डार्कर फ्रॉम कंप्यूटर जनरेटर स्लाइड्स लाइट कैन बी ब्राइटर इन रूम। देखिए इसमें क्या है कि जो बैकग्राउंड है वो कलर बैकग्राउंड होना चाहिए पर वो डार्क होना चाहिए वो, ठीक है, ताकि आपकी स्लाइड से जो है वो अच्छे से दिख के सामने सही से आए। यानी कि बैकग्राउंड आपकी डार्क होनी चाहिए तो आपका मैटर जो है वो अच्छे से उसके ऊपर वो होना चाहिए। कीप स्लाइड्स सिंपल शुड ओनली टेक ए मोमेंट टू फिगर आउट व्हाट स्लाइड्स इज अबाउट। यानी कि स्लाइड जो सिंपल होनी चाहिए, इसमें ये नहीं होना चाहिए कि, यानी कि सिंपल सी बात है, इसमें जो स्लाइड्स है वो सिंपल होनी चाहिए, आप जो स्लाइड्स में कह रहे हो वही इसमें मेंशन होना चाहिए। यूज़ ग्राफिक एंड इमेज व्हेन अप्रोप्रिएट। अगर आपको लगता है कि इसमें ग्राफिक्स और इमेज वो होनी चाहिए, आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। नो मोर देन 7 to 10 वर्ड्स टू ए लाइन एंड 7 लाइन्स टू ए स्लाइड्स। इसमें 7 से लेकर 10 वर्ड से ज़्यादा, यानी कि जो आप अगर पावर पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाने जा रहे हो, एक लाइन में 7 से लेकर 10 वर्ड्स होने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। और 7 लाइंस की एक स्लाइड होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसमें पढ़ने में दिक्कत हो जाएगी काफ़ी। यूज़ शॉर्ट सेंटेंस एंड बुलेट लिस्ट नॉट कम्प्लीट सेंटेंस। इसमें क्या है कि शॉर्ट सेंटेंस का इस्तेमाल इसमें किया जाना चाहिए। यूज़ फुल स्क्रीन, जो आप इसमें फुल स्क्रीन का इस्तेमाल करें, यानी कि जो आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो आप फुल स्क्रीन को उसमें कवर करना चाहिए। यूज़ कलर बैकग्राउंड डार्कर फ्रॉम कंप्यूटर जनरेटर स्लाइड्स, ठीक है। यानी कि अगर आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हो पावर पॉइंट में तो आपको जो है बैकग्राउंड जो है कलर होना चाहिए। कीप स्लाइड सिंपल होनी चाहिए, ठीक है। यूज़ ग्राफिक एंड इमेज व्हेन अप्रोप्रिएट, ठीक है। आप तो फ्रेंड्स इसमें आपको एक स्लाइड पे 7, यानी कि जो एक लाइन है उसमें 7 से 10 वर्ड्स से ज़्यादा नहीं रखने, तो ना ही 7 लाइन से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है मेक श्योर द स्क्रीन एंड द इमेजेस आर लार्ज इनफ फॉर ऑल टू सी। यानी कि जो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि सभी उसको देख पाए। सिट इन द वर्स्ट सीट इन द रूम एंड मेक श्योर यू कैन सी द स्लाइड। आप देखिए कि आप जो जो रूम है वहाँ की सबसे बेकार सीट पर भी बैठिए, यानी कि जो सबसे वर्स्ट सीट है अब वहाँ पे बैठिए, तब आप देखिए कि आपको क्या स्लाइड दिखाई दे रही है, यानी कि आपको हर एंगल से जो है स्लाइड दिखाई देनी चाहिए। हैव बैकअप नोट्स इन केस द स्लाइड प्रोजेक्टर और कंप्यूटर क्विट। अगर जो आप प्रोजेक्टर के ऊपर स्लाइड दिखा रहे हो, क्या अगर वो कंप्यूटर वहाँ पे चलना बंद हो जाए या स्लाइड जो प्रोजेक्टर चलना बंद हो जाए, क्या आपके पास बैकअप है, आपको उसका बैकअप होना चाहिए। यानी कि जो आप प्रोजेक्टर पर या कंप्यूटर पर पढ़ा रहे हो, अगर वो चले ना, कंप्यूटर चले ना, स्लाइड प्रोजेक्टर चले ना, तो आपके पास वो बैकअप होना चाहिए कि आप वो उसके बिना भी करवा पाओ,
कि ताकि जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो वो बीच में रहे ना। वन आइडिया पर स्लाइड, यानी कि एक स्लाइड पर एक ही आइडिया होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तभी वो क्लियर समझ में आएगा। चार्ट्स एंड ग्राफ्स आर ग्रेट। अगर चार्ट्स जो चार्ट हैं जो ग्राफ्स हैं अगर वो दिखाए जा रहे हैं तो इनके लिए सबसे बढ़िया है। नो मोर देन 3 कलर पर स्लाइड्स। एक स्लाइड पर 3 से ज़्यादा कलर नहीं होना चाहिए। एडवांटेज क्या है, गुड फॉर लार्ज रूम्स एंड ऑडियंस। ये जो बड़े बड़े रूम्स हैं और बड़ी ज़्यादा ऑडियंस है उनके लिए ज़रूरी, उनके लिए बहुत अच्छी है, तो उनको बहुत बड़ा फ़ायदा है। कैन बी एक्शन ओरिएंटेड और वर्ड ओरिएंटेड। ये एक्शन ओरिएंटेड भी है और वर्ड्स ओरिएंटेड भी है, जैसे इसमें यानी कि ये चीज़ें यहाँ पे जो वर्ड्स है वो जब वो बच्चे पढ़ते तो उनको बहुत जल्दी से समझ में आएंगे। अलाउज फॉर रेफरेंस बैक टू प्रीवियस स्लाइड, यानी कि आप इसमें जो जैसे कि आपने जो प्रेजेंटेशन दे रहे हो आप इसमें प्रीवियस स्लाइड का भी रेफरेंस इसमें दे सकते हो, यानी कि जो आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो इसमें जो प्रीवियस स्लाइड है वो इसके रेफरेंस में रहेंगी, यानी कि आप उसी रेफरेंस को लेके अपनी स्लाइड्स को आगे पढ़ाओगे। अब डिसएडवांटेज क्या है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है, ठीक है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा। कैन बी डिफिकल्ट टू प्रोड्यूस, ईजियर विद कंप्यूटर ग्राफिक। देखिए कंप्यूटर को जो ग्राफिक्स है तो इसमें भी डिफ़िकल्टी हो जाएगी, यानी कि इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर, जो कंप्यूटर आपका बढ़िया सा होना चाहिए उसमें ग्राफिक जो है वो इसमें इस्तेमाल करने की कंप्यूटर में वो जो है पावर होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि आपको डिफ़िकल्टी आ सकती है कंप्यूटर की ग्राफिक्स में या कंप्यूटर में एरर आ सकता है अगर आप इसके ऊपर जो है कोई अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हो। रूम मस्ट बी डार्क समवट। आपको कमरे में जो रूम है वो जो मस्ट बी वो डार्क, वो थोड़ा सा अंधेरा होना चाहिए, ठीक है। इक्विपमेंट एंड नॉलेज ऑफ दैट इक्विपमेंट, जो आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हो उसमें क्या है, इसमें जो है वो आपको उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि आप जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे हो वो आपको कैसे इस्तेमाल करनी है। रिलेटिवली पोर्टेबल, देखिए पोर्टेबल तो ये है पर कभी कभार चीज़ें जहाँ पे फिक्स कर दी जाती है या इनको थोड़ा सा इधर उधर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, यानी कि आप आसानी से पोर्ट नहीं कर पाओगे इसको। तो ऑर्डर ईजिली अरेंज, तो इसके जो आप इसको इजीली अरेंज कर सकते हो। कैन बी क्रिएट, कैन बी वेरी क्रिएटिव, ये अच्छे से क्रिएट भी हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट है डाटा प्रोजेक्टर एंड स्मार्ट बोर्ड। अभी हमने ऊपर पढ़ा था प्रोजेक्ट ओवरहेड प्रोजेक्टर का, उसमें जो प्रोजेक्टर के बारे में था, अभी हम पढ़ेंगे स्मार्ट बोर्ड के बारे में, ठीक है। तो देखिए स्मार्ट बोर्ड्स आर रैपिडली बींग इंटीग्रेटेड इंटू क्लासरूम अराउंड द वर्ल्ड एंड आर एसेंशली इनहेंस वाइट बोर्ड्स दैट आर यूज इन द कंजक्शन विद प्रोजेक्टर एंड लैपटॉप्स। अब देखिए कि आजकल स्मार्ट बोर्ड का हर तकरीबन हर क्लास में इस्तेमाल हो रहा है, तकरीबन वर्ल्ड की जितनी क्लासेस ले लो वहाँ पे तकरीबन स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। अब आप देखिए कि जो अगर स्मार्ट बोर्ड के ऊपर कोई प्रेजेंटेशन देनी है लैपटॉप के जरिए या प्रोजेक्टर के जरिए, यानी कि अगर हम स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल क्यों करते हैं कि अगर हमें प्रोजेक्टर या लैपटॉप के जरिए कोई चीज़ बच्चों को पढ़ानी है तो हम स्मार्ट बोर्ड का इस्तेमाल करेंगे। उसमें क्या है कि जो वाइट बोर्ड होता है उसको एज ए स्क्रीन इस्तेमाल किया जाता है, जिससे लैपटॉप और प्रोजेक्टर से जो लाइट निकलती है, जो डाटा जो लाइट निकलती है वो कहाँ पे पड़ती है, वाइट बोर्ड के ऊपर, जिसके ऊपर स्क्रीन बनी होती है, तो जिससे बच्चों को आसानी से प्रेजेंटेशन दी जा सकती है। तो नेक्स्ट, दिस अलाउज टू असेस टू वाइड वराइटी ऑफ कंप्यूटर बेस्ड मल्टी मीडिया कंटेंट ऑन द बोर्ड इन फ्रंट ऑफ द क्लास। यानी कि एक क्लास के सामने अगर हम स्मार्ट बोर्ड के ज़रिए कोई प्रोजेक्ट पेश कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी वैरायटी बहुत व्यापक स्तर की, यानी कि जो वाइड वैरायटी है जो है वो हम दिखा सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि जो मल्टीमीडिया कंटेंट है, जो हमने कंटेंट बनाया है किसी प्रोजेक्ट के जरिए प्रोजेक्ट को लेकर, तो हम पूरी क्लास के सामने इसको आसानी से रख सकते हैं। तो द टीचर और स्टूडेंट इज़ एबल टू टच द सरफेस ऑफ द बोर्ड टू कंट्रोल एप्लीकेशन राइट नोट्स एंड मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होगा कि जो टीचर या स्टूडेंट है वो आप देखिए कि जो सरफेस ऑफ द बोर्ड टू कंट्रोल एप्लीकेशन, इसमें क्या है कि जो एप्लीकेशन है यानी कि जो टीचर या स्टूडेंट है अगर उसे कोई चीज़ लिखनी है या किसी को कुछ करना है तो वो इसके जो सरफेस है बोर्ड है उसको वो टच कर सकते हैं। यानी कि ये मान के चले कि कोई प्रेजेंटेशन आप दे रहे हो, वो वहाँ पे वो पिक्चर को चल रही है, आप उसको मार्कर से उस पिक्चर को क्या है वो सर्कल कर सकते हो या उसके ऊपर कुछ लिख सकते हो, ऐसे कुछ लिख सकते हो स्क्रीन पे, ठीक है, यानी कि बोर्ड के ऊपर लिख सकते हो, क्योंकि आपका जो प्रेजेंटेशन है वो बोर्ड पे दिखाई देगा, आप मार्कर से कुछ वहाँ पे लिख सकते हो अपने तरीके से। एडवांटेज क्या है, गुड फॉर लार्ज रूम्स एंड ऑडियंस। देखिए लार्ज रूम्स एंड ऑडियंस के लिए बढ़िया, जहाँ पर
ऑडियंस ज़्यादा है या बड़ा रूम है उसके लिए बढ़िया ये। कैन बी स्टूडेंट ओरिएंटेड, ये स्टूडेंट ओरिएंटेड है। अलाउ सो फॉर रेफरेंस बैक इन्फो कैन बी सेव फॉर लेटर, आप जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हो वो सेव कर सकते हो बाद में बाकी को भी पढ़ाने के लिए। यानी कि आप ये नहीं है कि आपने एक बार ये प्रेजेंटेशन बना लिए तो आप एक ही बार में करवा पाओगे, आप चाहो तो इसको बार बार अगली क्लास के लिए भी करवा सकते हो। लाइट्स कैन बी ऑन, इसके लिए लाइट्स ऑन भी रख सकते हैं। लोड्स ऑफ वेबसाइट विद फ्री रिसोर्सेज, बहुत सारी वेबसाइट इसके फ्री रिसोर्सेज इसके स्रोत हैं वो आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। यानी कि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जिसके जरिए आप एक अच्छी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो। डिसएडवांटेज क्या है कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, महंगी है। मैनी स्टूडेंट टीचर डज नॉट एक्सेस टू दिस टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे कोई स्टूडेंट या टीचर बहुत कम मात्रा में या कुछ कुछ इसे इस्तेमाल कर सकते, सारे नहीं कर सकते। रिक्वायर्स इक्विपमेंट एंड नॉलेज दैट इक्विपमेंट, देखिए इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसी है कि आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपकी इसके लिए इक्विपमेंट चाहिए तभी ये चीज़ चलेगी। नॉट पोर्टेबल, ये पोर्टेबल नहीं है, एक जगह रखे हो सकती है ये, इसको आप एक जगह दूसरी जगह ले जा नहीं सकते। कैन बी वेरी क्रिएटिव, ठीक है, ये है बहुत क्रिएटिव, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है ऑडियो टेप्स सी डीज, देखिए वेन टू यूज़, आप ऑडियो टेप्स और सी डी का कब इस्तेमाल करोगे। देखिए पर्टिकुलरली सूटेड फॉर लैंग्वेज लर्निंग, मीडिया स्टडीज़, इंग्लिश लिटरेचर एक्सेट्रा। ऑडियो टेप्स और सी डीज कहाँ से इस्तेमाल होती है कि जब आप कोई लैंग्वेज को सीख रहे हो, ठीक है, कोई इंग्लिश लिटरेचर या कुछ भी ऐसी चीज़ सीख रहे हो तो आपके लिए ऑडियो टेप काफ़ी काम आएंगी। वैल्यूएबल वैन रेफरिंग टू रिकॉर्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स, अगर आप कोई हिस्टोरिकल इवेंट्स देख रहे हो तो अगर आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स कोई देखना है, जैसे एग्जांपल दिए यहाँ पे इन्होंने मार्टिन लूथर किंग्स का आई हैव ए ड्रीम स्पीच, ठीक है, यानी कि अगर आपको ये हिस्टोरिकल इवेंट्स देखना है तो उसके लिए आप इसको रिकॉर्ड कर सकते हो, आप इसको जब मर्जी चला सकते हो। बैकग्राउंड म्यूजिक कैन ऑल्सो बी प्लेड बिफोर क्लास स्टार्ट एंड ड्यूरिंग ग्रुप एक्टिविटी, देखिए अगर आप ऑडियो टेप्स कोई इस्तेमाल कर सकते हो, इनकी जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है आप इसका इसको प्ले कर सकते हो, यानी कि अगर आपने कोई भी ग्रुप को एक्टिविटी देनी है तो क्लास में इसको प्ले करने से पहले इसका बैकग्राउंड म्यूजिक भी लगा सकते हो। एड से डायमेंशन नॉट अवेलिंग थ्रू ऑडियो अलोन हेल्प्स स्टूडेंट टू विजुलाइज, देखिए इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको चीज़ सुनाई देगी, यहाँ पे दिखाई नहीं देगी, ठीक है। तो एसेंशियल व्हेन इलस्ट्रेटिंग थिंग्स दैट द प्रैक्टिकल टू डू इन रियल लाइफ, इसमें क्या है कि जो रियल लाइफ सिचुएशन है आप उससे जो ये इम्प्रैक्टिकल है, आप देखिए कि जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कर रहे हो, ठीक है, आपको ये उससे रिलेट होंगे। जैसे कि आप देखिए कि आप जैसे किसी से कोई बात कर रहे हो वो आप, ठीक है, आप किसी से बातें करते हो तो वही बात है कि आप ऑडियो टेप के ज़रिए या सीडी के ज़रिए जो है आप उस चीज़ को समझ पाओगे। जैसे हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं एक दूसरे में कम्युनिकेशन करने के लिए, वही अगर हम ऑडियो टेप्स को सुन लें तो हमें चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। पर्टिकुलरली सुइटेड फॉर लैंग्वेज लर्निंग, मीडिया स्टेटस, इंजीनियरिंग एक्सेट्रा, ये लैंग्वेज लर्निंग, मीडिया स्टेटस और इंजीनियरिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। वैल्यूएबल व्हेन रेफरिंग टू रिकॉर्डेड हिस्टोरिकल इवेंट्स, ये हिस्टोरिकल जो इवेंट्स है उसको जो रिकॉर्ड कर सकते हैं इसमें, तो ये काफ़ी इसके लिए हेल्पफुल होती हैं। टिप्स क्या है, देखिए चेक द रूम एंड इक्विपमेंट बिफोर हैंड, जो रूम और इक्विपमेंट्स के लिए चेक करना पड़ेगा कि जहाँ पर हम रिकॉर्ड करें वो सही है कि नहीं। कैन इट बी हेयर्ड फ्रॉम द बैक ऑफ द रूम, क्या इसे जो कमरा है इसके बाहर भी सुना जा सकता है। फाइंड द राइट स्पॉट ऑन द टेप सी डी एंड क्यू इट अप इन एडवांस, यानि कि आप जो टेप है सी डी है जो कुछ भी है वो सही होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो डोंट प्ले मोर देन ए फ्यू मिनट्स ऑफ ऑडियो एट वन टाइम, यानि कि एक समय में कुछ मिनट से ज़्यादा आप ज़्यादा ऑडियो टेप का इस्तेमाल मत कीजिए। यानी कि अगर आप एक ऑडियो टेप का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको उसी रूम में ज़्यादा ऑडियो टेप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी की आपको आवाज़ समझ में नहीं आएगी। तो ब्रेक अप लॉन्गर क्लिप्स इनटू सेगमेंट, जो लॉन्गर क्लिप है आप उसको सेगमेंट में रखिए, एक साथ ना रखिए। इंटरस्प्रेड विद डिस्कशन और अदर एक्टिविटी, इसमें क्या है कि जो डिस्कशन है, जो सेगमेंट्स है, जो डिस्कशन है, जो लॉन्गर क्लिप है, जो अदर एक्टिविटी है, आप उसको थोड़े थोड़े भागों में विभाजित कीजिए, ठीक है, सेगमेंट में बांटिए, इकट्ठा मत लाइए। सेम एज फॉर सीडीज एंड ऑडियो टेप, ये ऑडियो टेप और सीडीज के लिए कर सकते हैं। चेक इक्विपमेंट बिफोर हैंड, आपको इक्विपमेंट चेक करने पड़ेंगे, अपने जो
जो आप चीज़ें रिकॉर्ड करोगे या कुछ काम करने से पहले आपको चीज़ों को चेक करना चाहिए पहले, ठीक है, क्या वो सही वर्किंग से काम ऑर्डर में काम कर रहे हैं कि नहीं। तो पता चले कि जैसे आपने कोई चीज़ चला रहे हो उसकी बैटरी लो हो, आप उसको चीज़ को रिकॉर्ड कर लो पर बाद में रिकॉर्ड हो ही ना, है ना। आपको चीज़ चलाने से पहले क्या है उसको चेक करना चाहिए कि वो सही से काम करिए कि नहीं। कैन इमेज बी सीन फ्रॉम द बैक ऑफ द रूम, क्या जो इमेज दिखाई दे, इसमें ये बताया गया कि कैन इमेज बी सीन फ्रॉम द बैक ऑफ द रूम, क्या आपको जो आप वो चीज़ सुन रहे हो या आपको कोई जो इमेज आपकी बन रही है क्या रूम के पीछे से भी, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कमरे के बाहर क्या आपको वैसी ही चीज़ सुनाई दे रही है जो आपको कमरे के अंदर सुनाई दे रही है, यानी कि जो आप एक कमरे में बैठ के सुन रहे हो, है ना, तो क्या आपको कमरे के बाहर भी वैसी चीज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, यानी कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं। क्यूअप द टेप इन एडवांस, ठीक है, जो टेप है वो एडवांस लेवल की होनी चाहिए। ब्रेक व्यूइंग इन शॉर्ट सेगमेंट इंटरस्पर्स्ड एंड डिस्कशन ऑन एक्टिविटी, बस यही है कि सेगमेंट शॉर्ट सेगमेंट में इसको बनाइए। तो फ्रेंड्स लास्ट है हमारा पॉडकास्ट, ठीक है, पॉडकास्ट होता है क्या, आप सबसे पहले देखिए, ए सीरीज ऑफ डिजिटल मीडिया फाइल यूजली डिजिटल ऑडियो और वीडियो दैट इज मेड अवेलेबल फॉर डाउनलोड वाया वेब, यानी कि पॉडकास्ट क्या है कि जो चीज़ें जो फाइल्स हैं जो डिजिटल है जो ऑडियो जो वीडियो है वो आप इंटरनेट से यानी कि जो किसी वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, उस सीरीज़ को हम कहते हैं पॉडकास्ट। पॉसिबिलिटी क्या है, लेसन कुड बी डाउनलोडेड ऑन आईपॉड आईफोन MP3 प्लेयर, इसमें जो लेसन जो डाउनलोड हो सकते हैं वो आईपॉड आईफोन या MP3 में पॉसिबिलिटी है, उसमें रिकॉर्ड होंगे पॉडकास्ट के जरिए, यानी कि आप कोई चीज़ डाउनलोड कर रहे हो वो पॉसिबिलिटी है कि इनमें डाउनलोड होंगे। एडवांटेज क्या है, फॉर दो स्टूडेंट हु आर वेरी टेक सेवी, यानी कि उनके लिए जो है जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो जो किताबों का कम इस्तेमाल करते हैं टेक्नोलॉजी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो फ़ोन का जैसे वेबसाइट का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो इसको कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि पोर्ट को सॉफ्टवेयर विल बी नीडेड इट विच इज़ एक्सपेंसिव आल्सो ट्रेनिंग माइट बी नीडेड टू यूज़ द प्रोग्राम। अब डिसएडवांटेज क्या है कि पॉडकास्ट का हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो इसका वही इस्तेमाल क्योंकि एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है बहुत महंगा है, इसको वही इस्तेमाल करेगा जो इसको अफोर्ड कर सकता है और साथ में इसको चलाने के पहले इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो फ्रेंड्स इसमें और सारी, तो ये फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की टीचिंग एंड एग्जांपल, तो और भी बहुत सारी टीचिंग एंड एग्जांपल है तो मैंने आपको वही यहाँ पे इंपॉर्टेंट बताई है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो टीचिंग एंड एग्जांपल आपने पहले भी कई वीडियो में देखा होगा, तो आपको बस उसमें से जो आपको मैंने ये पॉइंट बताए हैं चॉकबोर्ड व्हाइट बोर्ड वगैरह कुछ भी है आपको इसका सिर्फ ओवरव्यू दिया होगा कि ये क्या क्या होता है कास्टमल होता है, आपको कोई भी वीडियो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें आपको टीचिंग एंड में ये सारी चीज़ें बता के उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज और साथ में इसके बारे में बताया हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो फ्रेंड्स मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।